हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेंगली स्टाडी गाइड यूट्यूब चैनल। तो बेंगली स्टाडी गाइड यूट्यूब चैनल सकल के आरो एक बार स्वागत। तो आज के डब्ल्यूबी एक्साइज कन्स्टेबल प्रिपारेशन जो खूब गुरुत्वपूर्ण किछु प्रश्न आंसर तुम्हारे सामने तुले धरे जगह सम्पूर्ण बांगलादे। तो आज के प्रथम प्रश्नटी एखे स्क्रिने देखे नब कि तो आज के प्रथम प्रश्नटी देखे नब। एक नम्बर, पेईरि अंचल कोन महादेशे अवस्थित। तो पेईरि अंचल कोन महादेशे अवस्थित तुम्हारा जरा उत्तर पार्बे कैक सेकेंड टाइम देव हमें तुम्हारा उत्तर कर फिले जो उत्तर बटर साथ उत्तर कर ठीक है। तो पेईरि कोन महादेशे अवस्थित ये क्योंकि सठिक उत्तर हो जाए ऑप्शन बी, उत्तर अमेरिका क्योंकि पेईरि अंचलटी अवस्थित, पेईरि महादेशटी अवस्थित ठीक है। तो आज के द्वितीय नम्बर कोश्चन चले जाब, दारुचिनिर द्वीप कोनटीके बला हय। तो दुई नम्बर कोश्चन छिल आज के हमारे दारुचिनिर द्वीप कोनटीके बला हय, सेखाने किन्तु सठिक उत्तर हो जाए किन्तु अपशन बी, अपशन बी श्रीलंका के किन्तु बला हय दारुचिनिर द्वीप ठीक है। श्रीलंका के किन्तु बला हय दारुचिनिर द्वीप। तो आज के तीन नम्बर प्रश्न देखे नब, विश्व तामाक बिरोधी दिवस कब पालित है। खुबी गुरुत्वपूर्ण और एक्साइज कन्स्टेबल बांगल्ला जो है मेन्स से किन्तु आसार मतई प्रश्न। तो तीन नम्बर कोश्चन टी सठिक उत्तर एखे देखे नब कि एकत्रिशे मे, एकत्रिशे मे हो जाए क्योंकि तीन नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर। नेक्स्ट चार नम्बर प्रश्न देखे नब, कौन समुद्र स्रोत शीतल, कौन समुद्र स्रोत शीतल। तो चार नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर हो जाए क्योंकि एखे अपशन सी पेरु, पेरुर स्रोत क्योंकि शीतल ठीक है। पाँच नम्बर देखे नब, बेसबल खेल एक दले कत जन खेलोड़ थे। तो बेसबल खेल कत जन थे एखे सठिक उत्तर देखे नाओ नय जन थे ठीक है। सठिक उत्तर क्योंकि एखे नय जन थे। नील नदर उत्स कि, तो नील नदर उत्स कि ये सठिक उत्तर हो जाए क्योंकि अपशन सी भिक्टोरिया पर्वत, भिक्टोरिया पर्वत क्योंकि नील नदर उत्स। म्यांमारे मुद्रार नाम कि, तो म्यांमारे मुद्रार नाम किन्तु अपशन बी कियात, कियात हो जाए किन्तु म्यांमारे मुद्रार नाम ठीक है। आइस हॉकी खेलार स्थानटीके कि बला हय, तो एटा किन्तु सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी, अपशन डी रिंग, रिंग किन्तु आइस हॉकी खेलार स्थानके बला रिंग। द वेस्टलैंड ग्रंथेर रचयिता कि, तो एटा किन्तु सठिक उत्तर हो जाए अपशन डी टी एस इलियट हो जाए, टी एस इलियट क्योंकि सठिक उत्तर। ओलिम्पिक खेलार प्रथम कत साले चालू है, तो ये क्योंकि अपशन बी 776 ख्रीष्टपूर्वाब्द हो जाए एकदम सठिक उत्तर, 776 ख्रीष्टपूर्वाब्द ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नब, आज के भलो लगले अवश्य एक लाइक करबे एवं एक कमेंटर माध्यम जानाबे तुम्हारे की विषय भिडियो प्रयोजन परवर्ती। तो नेक्स्ट 11 नम्बर प्रश्न देख, मानवाधिकार दिवस कब पालित करा है। तो मानवाधिकार दिवस कब पालित है, ये सठिक उत्तर हो जाए किन्तु अपशन डी 10 डिसेम्बर ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखे नब, इंटरनैशनल, तो इंटरनैशनल मॉनेटरि फंड IMF एर सदर दफ्तर कोथाय अवस्थित। तो 12 नम्बर प्रश्न सठिक उत्तर पे जाब किन्तु आमरा अपशन डी वाशिंगटन डिसि ठीक है, सदर दफ्तर वाशिंगटन डिसि। तो नेक्स्ट 13 नम्बर प्रश्न देखो, हजार ह्रदर देश काके बला है। तो हजार ह्रदर देश काके बला है, ये क्योंकि सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी फिनलैंड के, किन्तु हजारो ह्रदर देश बला है फिनलैंड के। नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार प्रथम कत साले देवा है, तो ये क्योंकि सठिक उत्तर हो जाए 1901 साले किन्तु नोबेल पुरस्कार प्रथम देवा है 1901 साले ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे नब, आज 15 नम्बर प्रश्न, लंडन शहरटी कोन नदीर तीरे अवस्थित। तो लंडन शहरटी कोन नदीर तीरे अवस्थित, सठिक उत्तर ठीक करब आमरा टेम्स नदीर तीरे किन्तु लंडन शहरटी अवस्थित। नेक्स्ट प्रश्न देखे नब, आमरा मैकमोहन लाइन कोन दुटी देशेर सीमांत। तो मैकमोहन लाइन आमरा सकलेई जानी भारत ओ चीन एर सीमांत मैकमोहन लाइन। खूब इजी प्रश्न एबं एई प्रश्नगुलो किन्तु परीक्षाते बारबार एसेछे। पृथिवीर सबचेये बड़ो रेलवे प्लैटफर्म कोथाय अवस्थित, एटा आमरा सकलेई जानी जे भारतवर्षे किन्तु पृथिवीर सबथेके बड़ो रेलवे प्लैटफर्म अवस्थित भारतवर्षे ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नम्बर, ग्रीनविच मान मंदिर कौन देशे अवस्थित। तो ग्रीनविच मान मंदिर कौन देशे अवस्थित, ये क्योंकि सठिक उत्तर हो जाए अपशन बी लंडन, लंडने क्योंकि अवस्थित ग्रीनविच मान मंदिर। तो रेडियो आविष्कारक मार्कोनी कौन देशे जन्मग्रहण करें, तो रेडियो आविष्कारक मार्कोनी क्योंकि जन्मग्रहण करें
ইতালিতে, ঠিক আছে। তো রেল ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন? তো রেল ইঞ্জিন আমরা সকলেই জানি, রেল ইঞ্জিন আবিষ্কার করেন স্টিফেনসন, ঠিক আছে। তো রেল ইঞ্জিন কে আবিষ্কার করেন? স্টিফেনসন। তো এই ছিল 20টি গুরুত্বপূর্ণ ডাব্লিউবি এক্সাইজ কনস্টেবল মেইন পরীক্ষার জন্য খুবই, এবং এই ধরনের ভিডিও পরবর্তীতে পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কাছে একটু কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে ভুলবে না, এবং পরবর্তী কী ধরনের তোমাদের প্রশ্ন প্রয়োজন এবং কী ক্লাস তোমাদের প্রয়োজন সেটাও অবশ্যই কমেন্টের বক্সে জানাবে। তো ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করে যাবে, এবং নতুন হলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দেবে ও পাশে থাকা বেল আইকনকে ক্লিক করতে ভুলবে না। তো ধন্যবাদ, আজকের ভিডিও এইটুকুই, পরবর্তী আরও ভিডিও আমরা আনার চেষ্টা করছি। ধন্যবাদ।